प्रदेश की खास खबरों के साथ। सरकार के आदेश के बाद बागेश्वर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में राशन कार्ड जमा कराने वालों की लाइन भरने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार द्वारा 30 जून को अपात्रों के द्वारा अपने राशन कार्ड जमा कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में राशन कार्ड जमा कराने वालों की काफी लंबी लाइन लग गई। लोगों को 30 जून तक कार्ड नहीं जमा कराने पर कार्यवाही होने का डर भी सता रहा है। कई लोगों ने अपने राशन कार्ड जमा करा दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्ड जमा कराने वालों की काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टोटल जनपद में राशन कार्ड 63,847 हमारे पास राशन कार्ड प्रचलित थे, जिसमें से हमने वर्तमान में 3265 राशन कार्ड जो है पात्र को हाँ और अपात्र ना को के तहत जो समर्पित योजना के अंतर्गत और निरस्तीकरण योजना के अंतर्गत जो है हमने अभी तक जो है 3265 राशन कार्ड हमने जो है सरेंडर करवाए हैं या निरस्त करवाए हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो गरीबी रेखा वाले कार्ड हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय पर फैमिली और प्राथमिक फैमिली आती हैं, जो गुलाबी कार्ड और सफ़ेद कार्ड होते हैं, 1751 कार्ड हमने अभी तक जो है निरस्त की हैं। इन 1751 कार्ड में हमारी जनपद बागेश्वर में सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का रोस्टर जारी हुआ है और अधिकांश ग्राम पंचायतों में हमारा खुली बैठक का आयोजन हो भी चुका है। लास्ट हमारा 16 जुलाई को अंतिम खुली बैठक होगी, जिसमें हमारी सारी जो हमारे राशन कार्ड निरस्त हुए हैं गरीबी रेखा के, उसके अकॉर्डिंग हमने पात्र परिवार की जो है खुली बैठक में चयन भी कर ली गई। उस चयन परिवारों उस चयन राशन कार्डों के अकॉर्डिंग जो है उनको हम खुली बैठक के पश्चात जो है उनके राशन कार्ड को उपलब्ध कराते हुए अंत्योदयी और प्राथमिक परिवार जो हमारा सफ़ेद कार्ड और गुलाबी कार्ड योजना के तहत जो योजना का जो खाद्यान्न है उससे